खली दुनिया से क्यों छुपाते हैं अपने जीवन का ये सच। दोस्तों WWE के मैदान में कई सारे रेसलर्स आए और गए, लेकिन जो मुकाम द ग्रेट खली ने हासिल किया उसकी बात ही कुछ और है। खली ने दुनिया भर में ये दिखा दिया कि हमारे भारतीय मर्दों में कितना दम है। तभी तो दिलीप सिंह राणा जब रेसलिंग में उतरते थे तो दुनिया उन्हें द ग्रेट खली कहकर ही पुकारती थी। उनकी जिंदगी केवल रेसलिंग के रिंग तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी उनकी जिंदगी में कई सारे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। पर आप चिंता मत कीजिए, आज की वीडियो में हम ग्रेट खली की जिंदगी के हर उस राज से पर्दा उठा देंगे जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं खली की लग्जूरियस लाइफस्टाइल के बारे में कि आखिर इनके पास कितना पैसा है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं, इनका घर कहां है। साल 2018 में किए गए एक सर्वे से पता चला है कि द ग्रेट खली के पास कुल 14 करोड़ रुपए कैश है। एक मर्सिडीज और एक महिंद्रा थार खली के पास है। हालांकि इसके अलावा भी उनके पास कई सारी गाड़ियां हैं जिन्हें ये अपने अलग अलग घरों में रखते हैं, और साथ ही पंजाब में उनके पास एक बड़ा सा फार्म हाउस भी है जिसकी कीमत 4 करोड़ है। शायद आप में से किसी को ना मालूम हो, लेकिन खली को घर खरीदने का बड़ा शौक है। तभी तो पंजाब और हरियाणा के अलावा दिल्ली में खली के नाम पर 2 घर हैं जिनकी कीमत 6 करोड़ रुपए आकी गई है। वहीं उन्होंने 2016 में नवी मुंबई में भी एक आलीशान घर खरीदा है। दोस्तों हिंदुस्तान के अलावा खली के पास एक घर अमेरिका में भी बना है जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। आपको बता दें कि खली के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, यानी कि ये वहां पर प्रॉपर सिटीजन के तौर पर रहते हैं। लेकिन विदेश जाकर भी हमारा ये देसी मुंडा बदला नहीं। तभी तो 7 समंदर पार रहने के बावजूद इन्होंने भारत के बच्चों के लिए CWE के नाम से रेसलिंग स्कूल खोला है जहां आज कई सारे रेसलर्स ट्रेन किए जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सभी जानते हैं कि खली शादीशुदा हैं और इनकी एक बेटी भी है। ये पारिवारिक आदमी हैं जो अपने परिवार के साथ ज्यादातर अमेरिका में ही रहते हैं। हालांकि इनका भारत में आना जाना भी काफी लगा रहता है और खली पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, जहां ये ना केवल खुद पूजा करते हैं बल्कि अपनी बेटी को भी भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने में लगे रहते हैं। दोस्तों खली ने WWE में अपना डेब्यू साल 2006 में किया था। शुरुआत में इन्होंने कई सारी मुश्किलें झेली, लेकिन बाद में वो बेहद सफल रेसलर के रूप में पहचाने गए। हालांकि अभी भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि जितना टैलेंट खली के पास था उतना वो रिंग में नहीं दिखा पाए। अगर दिखाते तो आज वो दुनिया के नंबर 1 रेसलर रहते। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि खली ने अपना जितना भी टैलेंट दिखाया हो उसमें ही उन्होंने कई बड़े बड़े धुरंधरों के छक्के छुड़ा दिए थे। फिर चाहे वो लोगों के पसंदीदा जॉन सीना हो या फिर मौत को चकमा देने वाले अंडरटेकर, यहाँ तक कि अपनी शानदार पर्सनैलिटी के लिए मशहूर बिग शो को भी खली ने खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं खली जब कभी भी रिंग में आते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता को याद करते थे। उनका नेचर काफी ज्यादा अग्रेसिव था, तभी तो बोलते कम थे और अपने हाथ पैर ज्यादा चलाते थे। वैसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब खली रेसलर बन गए थे तब भी बहुत कम लोगों को ये बात मालूम थी कि वो एक हिंदुस्तानी है। वो तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और एक दो बार तो खली ने हिंदी में रिंग में बात करी, तब जाकर लोगों को ये मालूम हुआ कि अरे ये तो अपना भारत का ही सपूत है। WWE के मैदान से भले ही आज खली ने संन्यास ले लिया हो, लेकिन रेसलिंग के लिए उनका प्यार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तभी तो आज भी ये अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं और जितना ही ज्यादा ये खाते हैं उतना ही ज्यादा वर्कआउट भी करते हैं। जहां खली नाश्ते से लेकर लंच तक, यहां तक कि डिनर तक हर एक चीज बहुत ही नाप तोल कर खाते हैं। खली को बटर चिकन खाना बहुत पसंद है, लेकिन शरीर के नुकसान के लिए ये खुद को रोक लेते हैं। इनकी डाइट में ज्यादातर प्रोटीन होता है। खली अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार वालों को देते हैं। अपनी छोटी सी बेटी के साथ खेलना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये अपनी बेटी के बचपन में अपना खुद का बचपन देखते हैं जिसे खली ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए थे। आपको बता दें कि खली का जन्म 27 अगस्त साल 1972 में पंजाब में हुआ था। इनके कुल 7 भाई-बहन हैं। खली के माता पिता बहुत गरीब थे और मुश्किल से ही अपने सभी बच्चों का पेट भर पाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को गरीब
गरीबी की जिंदगी में रहने की सलाह नहीं दी और आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को बेहतर करने की प्रेरणा देते रहे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण खली अपने परिवार की मदद करने के लिए अलग अलग तरह की नौकरियां करते थे, लेकिन एक दिन किस्मत से इनकी मुलाकात पंजाब पुलिस के एक अधिकारी से हुई, जो खली की लंबी चौड़ी कदकाठी को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई और इन्हें भी पंजाब पुलिस में भर्ती कर लिया गया, जिसके बाद से खली की पूरी जिंदगी ही बदल गई। पुलिस की नौकरी करते करते ये जिम में भी जाते थे और जिम करने के दौरान ही इनके दिमाग में रेसलर बनने का ख्याल आया। शुरू में ये जिम के टीवी पर ही WWE के फुटेज देखकर सोचते थे कि मैं भी एक दिन इन लोगों की तरह ही रेसलिंग करूंगा। शुरुआत में इनकी बातें सुनकर कई लोग इनकी हंसी भी उड़ाते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। ठीक वैसा ही खली के साथ भी होता था। उन्होंने इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने रेसलर बनने के सपने के पीछे ही पड़ गए, जिसके बाद किस्मत ने इनका दरवाजा खटखटाया और खली ने जब दरवाजा खोला तो फिर कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और आज ये कितने बड़े स्टार हैं वो तो हम सभी जानते हैं। खली ने WWE में रेसलिंग करने के अलावा बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी कई सारी फिल्मों में काम किया है। खली की रेसलिंग जर्नी भी सच में कमाल की थी। कभी कभी तो ये ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन जिस दिन ये फॉर्म में होते थे उस दिन सामने वाले हर एक रेसलर की बैंड बजा देते थे। गुस्से में आकर खली का पंजा कितना जोर से लगेगा ये तो किसी को भी मालूम नहीं होता था, और अपने इसी गुस्से और एग्रेसिव नेचर के चलते जब उन्होंने साल 2007 में वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप में लड़ाई करी तो कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाया और ये खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। जाहिर सी बात है कि जब खली इतना बड़ा खिताब जीत लेंगे तो जलने वाले भी उल्टी सीधी हरकतें करने से कैसे पीछे रह सकते हैं। तभी तो एक बार भारत के रेसलर कृष्ण कुमार ने खली को ओपन चैलेंज दे दिया था। कृष्ण कुमार का कहना था कि खली के पास रेसलिंग का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। इसीलिए कृष्ण ने कहा था कि अगर वो खली से लड़ेंगे तो खली मिनटों में हार जाएंगे। हालांकि खली ने कभी भी इस तरह के लोगों की बातों को अहमियत नहीं दी। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, पाकिस्तान के खान बाबा जो नकली बॉडी लेकर घूमते हैं, उन्होंने भी खली को चैलेंज किया था और उनके चैलेंज को भी खली ने कुछ खास प्रक्रिया नहीं दी, क्योंकि खली को मालूम है कि ये जितने भी लोग उन्हें चैलेंज करते हैं वो सब पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए आते हैं और इसीलिए वो ऐसे किसी भी इंसान को भाव नहीं देती। लेकिन जो लोग सच्चे दिल से खली के पास आते हैं खली उन्हें कभी निराश नहीं करते। तभी तो खली ने बहुत सारे अनाथ बच्चों और जरूरतमंदों की मदद की है। कई सारे बच्चों को तो ये फ्री में एजुकेशन भी दे रहे हैं। खली का कहना है कि वो हमेशा से ही चाहते थे कि देश का हर एक बच्चा पढ़ाई करके आगे बढ़े। खली को बचपन में पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिल पाया, पर वो ये मौका हर एक बच्चे को देना चाहते हैं। साफ तौर पर यदि कहा जाए तो खली एक संत आदमी है, साथ ही उन्होंने दुनिया भर में इंडिया का खूब डंका भी बजाया है। यदि आप भी भारत माता से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि खली, तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।